चाहते हो अपने आवाज़ से अपने स्मार्टफोन को चलाना, तो जैसे हम एक बार बोलते फेसबुक, तो देखिए हमारा बाजू में एक स्क्रीन शो हो रहा होगा, एक बार बोलने से हमारा फेसबुक खुल जाता है। जैसे हम बोलेंगे फेसबुक तो हमारा फेसबुक खुल जाता है, जैसे हम बोलेंगे इंस्टाग्राम तो हमारा इंस्टाग्राम खुल जाता है, जैसे हम बोलेंगे यूट्यूब, यूट्यूब पे अगर कोई भी वीडियो मंगाना रहेगा तो डायरेक्ट हम वीडियो का नाम बोल देंगे तो ऑटोमेटिक से हमारा यूट्यूब में वो वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कहीं भी हमें यानी कॉल लगाने के लिए रहेगा तो उस व्यक्ति का मैं नाम लेके बोलूँगा फलाना जो कॉल, तो ऑटोमेटिक से हमारा फ़ोन में कॉल लग जाता है। तो अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में इस तरीके से चलाना चाहते हो, आप अपने स्मार्टफोन को और भी ज़्यादा स्मार्ट तरीके से चलाना चाहते हो 2022 में, तुम्हारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। पूरा स्मार्टफोन का मैं नया फीचर बताने वाला हूँ। आप अपने आवाज़ से किसी भी सोशल मीडिया को चला सकते हो, भले आपका फ़ोन आपसे एक फीट दूर भी रहेगा फिर भी आप अपने आवाज़ से अपने सोशल मीडिया को चला सकते हो आसानी तरीके से। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर दिखाना। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कैसे इस एप्लीकेशन को आप अपने स्मार्टफोन में इस्तेमाल करोगे 2022 में, वो भी स्मार्ट तरीके से। तो हमारे साथ एंड तक आप लोग। आप भी अपनी मोबाइल को एक आवाज़ से चलाना चाहते हो, एक आवाज़ से किसी भी एप्लीकेशन को खोलना चाहते हो, तो आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहे। जो अभी आप इंट्रो में देखे पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आ जाना होगा। प्ले स्टोर में आने के बाद ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो चलो हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड में लगा देते हैं। तो देखिए ये एप्लीकेशन को डाउनलोड होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 4 से 5 सेकंड के अंदर में एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है। तो जैसे ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है पूरा, तो आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं। इस एप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है तो कुछ आसान भी नहीं है। अगर सही तरीके से इस एप्लीकेशन को आप परमिशन नहीं देते तो आपके फ़ोन में एप्लीकेशन सही तरीके से वर्क नहीं करेगा और सही तरीके से काम भी नहीं करेगा। तो जैसे एप्लीकेशन हो जाता है कंटिन्यू क्लियर हो जाता है, तो हम आपको परमिशन दे के हम दिखाते क्या क्या परमिशन इसमें दिया जाता है। तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं। तो चलो ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट में इसको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन अभी अपलोड की है वाली एप्लीकेशन, इस पर ओके करना है। यहाँ से इसको ऑन कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ अलग इंटरफेस खुल के आ जाएगा इस एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे देख कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और एलो कर देना है। फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है एलो कर देना। तो फाइनली जो भी इस एप्लीकेशन का परमिशन था पूरा परमिशन इस एप्लीकेशन को दे चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद बिल्कुल ही यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद आपके होम स्क्रीन के ऊपर में एक एरो आ जाएगा, देखिए एक लोगो आ जाएगा, ये वाले लोगो आ गया हमारे स्क्रीन के ऊपर में। अब भी आपको कोई भी सोशल मीडिया को चलाना है अपने आवाज़ से, कहीं भी आप सोशल मीडिया को चलाते हो, जैसे आप बोलते हो फेसबुक तो एक बार में आपका फेसबुक खुलना चाहिए, जैसे बोलते हो यूट्यूब तो एक बार में आपका यूट्यूब खुलना चाहिए, जैसे आप बोलते हो टिकटॉक तो आपका टिकटॉक एक बार में खुल जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली एप्लीकेशन का एरो जो आ गया यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको एक बार इस पे क्लिक करना है। चलो हम क्लिक करके दिखाते हैं आपको। यूट्यूब इस तरीके से हमारा यूट्यूब खुल जा रहा है। YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, तो इसी तरीके सोशल मीडिया को चला सकते हो। तो उम्मीद अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। मोबाइल से रिलेटिव YouTube हमेशा आपको इस चैनल पे जानकारी मिलता रहेगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, आपके जरिए किसी दूसरे दोस्त को भी अपने स्मार्टफोन को चलाने में ईजी हो सके, आसान हो सके,
आपके जरिए वो भी अपने स्मार्टफोन को 2022 में स्मार्ट तरीके से चला सकते हैं, किसी को भी हैरान परेशान कर सकते हैं ये ट्रिक दिखा के। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।